तो कल के दिन में मैंने आपको एक पहला बायजूस मैच कवर करके दिया था, वो भी क्लीन स्वीप कराया था, यानी कि हमारे सारे के सारे यूजर्स इजीली जीते थे। आज की इस वीडियो के साथ बात करेंगे MTI वर्सेस SBC के बीच होने वाले तीसरे बायजूस T20 मैच के बारे में। सबसे पहले बात करें अपने बॉलिंग ऑप्शन, तो नंबर वन मेरा रिस्की प्लेयर रहेगा जिसका नाम है ए गोगाई, जो कि आपको 3 से 4 ओवर बॉलिंग पूरा करेगा और MTI की टीम का सबसे मेन बॉलर्स में से एक आपको देखने को मिलेगा। और 4 ओवर बॉलिंग पूरा करने के साथ साथ आपको एक विकेट टेकर बॉलर देखने को मिलेगा। आखिरी की जो इसने 19 मैचेस खेले हुए हैं वहाँ भी इसको बॉलिंग से 21 विकेट मिल गए और आखिरी सीजन में भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग करके आए हुआ, और इसके पास एक्सपीरियंस लेवल भी जो है काफ़ी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, कई मैचेस ऐसे मैंने देखे हुए जहाँ पे इसको आखिरी के ओवर्स में भी बॉलिंग मिल जाया करती है। उसके बाद आकाश छेत्री के साथ जाऊँगा, इसका नाम आखिरी सीजन में ऑलराउंडर्स में आ रहा था, इस सीजन में इसका नाम बॉलर्स में आ रहा है, क्योंकि आखिरी सीजन में 2 से 3 ऐसे मैचेस भी गए हुए थे जहाँ पे आकाश छेत्री को एक ओवर भी बॉलिंग नहीं मिला। ये चीज़ को फोकस करके चलना है, लेकिन फिर भी जो बॉलिंग का इसका रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आखिरी के जो इसने 15-20 ओवर के मैचेस डोमेस्टिक लेवल के ऊपर खेले हुए हैं वहाँ पे करीब करीब इसने 169 रन भी बना के दिया हुआ है, प्लस 15 मैचेस के अंदर करीब आपने देखा हुआ जहाँ पे 14 विकेट भी इसको बॉलिंग से मिल गया है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आखिरी के 3 मैचेस में 5 विकेट लेकर के आ रहे हैं बॉलिंग से, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है कि आखिरी के मैचेस में फॉर्म में है। उसके बाद यहाँ से प्रीतम दास के साथ जाऊँगा, जो कि MTI की टीम का सबसे मेन बॉलर है, बॉलिंग से ओपनर तय करेगा, शुरू के ओवर्स में बॉलिंग करेगा, 4 ओवर बॉलिंग पूरा करेगा, आपके लिए ज़रूरी बॉलर बन जाएगा। अब बहुत सारे लोग अभी थे मुख्तार हुसैन को लेकर के चल रहे हैं, बाकी मैं आपको कहूँ इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा जिसका नाम यहाँ से देखने मिलेगा राज अग्रवाल का भले ही नाम आपको बॉलर्स में देखने मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एज ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करके दे सकता है, यानी कि बल्लेबाजी से भी परफॉर्मेंस करके दे सकता है, बॉलिंग से भी। आगे और इसी तरीके से 2-3 रिस्की प्लेयर्स के बारे में बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको इसी मैच की टॉस हो जाने का, लाइनअप आ जाने का, तो आखिरी के 5 मिनट में हमारी 5 टीम्स हो, जिस टीम से खुद इस मैच के अंदर पैसे लगाने वाला हो, तो फिर आपको हमारे टेलीग्राम सर्कल ज्वाइन होना पड़ेगा, जहाँ पर ज्वाइन होना आपके लिए एकदम फ्री है। हमारे टेलीग्राम सर्कल लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा, ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाना, सबसे पहला जो आपको कमेंट देखने को मिलेगा उसमें आपको हमारे टेलीग्राम सर्कल लिंक देखने को मिल जाएगा। वहाँ भी ना मिले तो आप सीधे टेलीग्राम ऐप पर जाकर के सर्च मार सकते हो @RVD चैंपियन, आप जैसे ही लिखोगे आपको सबसे ऊपर हमारे टेलीग्राम सर का लिंक देखने मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 54,000 के करीब सब्सक्राइबर पहले ही से देखने मिल जाएगा, वहीं पे ज्वाइन हो जाना, वहीं पे मैं अपने 11 प्लेयर पूरे KVC सभी चीज़ें 100 जाने का लाइनअप जाने का सबसे पहले शेयर कर दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सी टीम मैच जीत सकती है। मैं आपको बता दूँ MTI की टीम के मैच जीतने के चांसेस मुझे ज़्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि आखिरी के जो 5 मैचेस खेल करके आ रही है उसमें से 3 मैचेस जीत करके आ रही है, 2 मैचेस हार करके आ रही है। वही सामने जो SBC की टीम ने आखिरी के अपने 6 मैचेस खेले, 2 मैचेस जीत करके आ रही है, बाकी बचे वो 4 मैचेस हार करके आ रही है। तो मैं आपको ये कहूँगा कहीं ना कहीं MTI के प्लेयर्स को आपको और ज़्यादा फोकस करके टीम बनाना चाहिए। वहीं अगर मैं इस मैच के पिच रिपोर्ट की बात करूँ, जो कि ग्रैंडली के यूजर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जो मैच होने लाए ये आपको आसाम के गुवाहाटी के मैदान के ऊपर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको आखिरी के 5 मैचेस में एक 153 रन का एवरेज स्कोर देखने को मिला हुआ है, यानी कि रन जो है यहाँ पे इजीली बनेंगे। आखिरी मैच से भी यही हुआ, जो कि कल का पहला बायजूस का मैच था वहाँ पे भी रन बने हुए हैं, तो आपके लिए ऐसा बल्लेबाज से कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकता है, तो जो कि बल्लेबाज आपको ज़्यादा बल्लेबाजी और बॉलिंग भी करके दे सकता है, वो आपके लिए इस मैच के लिए एक बेहतरीन प्लेयर बन सकता है। मैं किन रिस्की प्लेयर्स की बात करूँ, उनमें से पहला नाम आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, जिसका नाम यहाँ से देखने मिलेगा CM दास। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन एज अ ये ऑलराउंडर जो कि आपको बल्लेबाजी थोड़ा ज़्यादा, लेकिन हाँ बॉलिंग से भी उम्मीद पूरी तरीके से लगाई जा सकती है, क्योंकि आखिरी के मैचेस में इसने बॉलिंग से भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया हुआ है। आखिरी की जो इसने 6 मैचेस का खेला हुआ है वहाँ पर इसने बल्लेबाजी से आपको करीब करीब आपको 144 रन भी बना के दिया हुआ है, प्लस बॉलिंग से भी इसको 8 विकेट के करीब मिला हुआ है, तो यानी कि ऐसा ऑलराउंडर आपके लिए काफ़ी अच्छा प्लेयर रहेगा। मैं आपको कहूँगा KVC के लिए भी एक अच्छा प्लेयर रहेगा। अब इसके बाद मैं सेफ प्लेयर की बात करूँ, तो यहाँ से देवदास के साथ जाऊँगा, जो कि आपको एक ऐसा प्लेयर देख मिलेगा जिसके पास एक्सपीरियंस लेवल काफ़ी ज़्यादा है, नया नया टीम के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे किस तरीके का कॉम्बिनेशन बनेगा ये चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि MTI की टीम के ऊपर में पूरी तरीके से फिट हो गया है, तो मैं इसको भी तुम्हें KVC बना करके भी चल सकता हूँ, यानी कि प्लेयर का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, तो लेकर के जरूर चलूंगा, लंबी लंबी इनिंग आपको खेल के दे सकता है। अब आपको ध्यान से सोचना है यहाँ से एस साहा के बारे में। एस साहा एक ऐसा प्लेयर है जो कि किसी भी मैच आपको 70-80 रन भी बना के दे सकता है, भले इसमें मुझे लगता है
ओपनिंग करेगा। और आखिरी किस जो इसने 9 मैचेस खेले हुआ 20 ओवर के मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर इसने करीब करीब 221 के करीब रन पर आके दिया, वो यानी कि बल्लेबाजी से इसका रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा शानदार है। यही रीज़न है कि ऐसा बैट्समैन अपनी टीम में लेकर के चल रहा हूँ। डी हजारिका का भी बल्लेबाजी से रिकॉर्ड अच्छा, आप चाहो तो पिक करके चल सकते हो। आपको 17 का एवरेज देखने को मिलेगा आखिरी के टी20 के मैचेस के अंदर। डी बोरा का भी सेम वही बल्लेबाजी से आपको एवरेज देखने को मिलेगा, करीब करीब 18 के करीब का एवरेज देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा ज़्यादा अच्छा प्लेयर डी हजारिका देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ से इजरार अहमद के साथ जाऊँगा। अगर मैं ईशान अहमद के रिकॉर्ड की बात करूँ तो काफ़ी शानदार है, क्यों बल्लेबाजी के साथ साथ बॉलिंग से भी। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसके आगे बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। विद्युत टीम एक इनिशियल टीम है जहाँ पे मैं आपको एक डेमो टीम बना के दे रहा हूँ एक प्लेयर के एनालिसिस बताने के लिए। बाकी अगर आपको इस मैच की हमारी 5 टीम से जिस टीम से खुद इस मैच के अंदर पैसे लगाने वाला हूँ तो फिर आपको हमारे टेलीग्राम सर्कल ज्वाइन होना पड़ेगा, जहाँ पर ज्वाइन होना आपको एकदम फ्री है। हमारे टेलीग्राम सर्कल लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स सबसे ऊपर पिन किया हुआ देखो मिल जाएगा, ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी रिप्लाई आपको मिल जाएगा। यानी कि टेलीग्राम सर्कल में ज्वाइन होना आपके लिए मस्ट पिक होने वाला है। वहीं पे मैं अपने 11 प्लेयर पूरे केबीसी सभी चीज़ें तो सो जाने के लाइनअप आ जाने का सबसे पहले शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम सर्कल में ज्वाइन होना आपके लिए जितना ही आसान है उतना ही आपके लिए कहीं ना कहीं जरूरी भी रहने वाला है। बात करें अपने यहाँ से बचे हुए प्लेयर की तो विकेट कीपिंग सेक्शन आप ले देखो, दो अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। एक यहाँ से बहुत सारे लोग एस गादी के साथ जा रहे हैं, दूसरा ए यहाँ से थकुनी। ए थकुनी ने जो आखिरी 5 मैचेस खेले हुए हैं वहाँ पर आपने देखा हुआ 101 रन बना के दिया हुआ है। ऐसा विकेट कीपर खेलेगा आखिरी के मैचेस में भले ही बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन नया प्लेयर आया कभी भी आपको फॉर्म में नजर आ सकता है। अगर मुझे ऐसा लगा कि एस गादी बल्लेबाज में ओपनिंग करेगा या फिर तीसरे पे आएगा या फिर चौथे पे आएगा तो फिर मैं इसको लेकर के चलूँगा, क्योंकि ए थकुनी कहीं ना कहीं नया प्लेयर आया है ए थकुरी। तो यही रीज़न है कि मैं यहाँ से एस गादी को लेकर के चल सकता हूँ, ये एक चेंज मैं अपनी टीम में करके चल सकता हूँ। बाकी डब्ल्यू रहमान को लेकर के चलने का कोई चांस नहीं है। बल्लेबाजी ऑप्शन में आपको कहूँ अगर आप ग्रैंड लीग टीम बना रहे हो जीएल खेल रहे हो तो ये दोनों प्लेयर्स को अपने ग्रैंड लीग टीम में रोटेशन कर लेना। ये दोनों प्लेयर्स दोनों में से कोई एक ही मुझे लगता है प्लेइंग 11 में रहेगा, जो भी खेलेगा उसको आप तीन जीएल की टीम में यानी कि ग्रैंड लीग टीम में रख करके चल लेना। मान लो जैसे मैं आपको टीम बना के दे रहा हूँ इनमें से कोई प्लेयर ना खेल रहा हो तो अगले मेरे बल्लेबाजी ऑप्शन है एस जेन और बी सहार रहेगा। विकेट कीपिंग सेक्शन मान लो ए थकुरी ना खेल रहा हो तो यहाँ से एस गादी को लेकर के चल सकता हूँ। उसके बाद बात करो अपने ऑलराउंडिंग ऑप्शन में, उससे पहले बॉलिंग ऑप्शन में देखो मान लो अगर ये तीनों प्लेयर्स में से कोई ना खेले तो अगला ऑप्शन आप राज अग्रवाल बन सकता है। उसके बाद आप एक और अच्छा प्लेयर बन सकता है जिसका नाम है एम हुसैन। ये दोनों प्लेयर्स आप ग्रैंड लीग के लिए अच्छे प्लेयर बनेंगे। बाकी मान लो कोई मेरी टीम में ना खेल रहा हो तो वो उनको लेकर के चल सकता हूँ। सबसे पहले बात करें यहाँ से ऑलराउंडिंग ऑप्शन है तो आर छेत्री, रवि छेत्री एक स्पिनर बॉलर, यहाँ पे स्पिनर्स को काफी ज्यादा मदद मिल रहा है गुवाहाटी के मैदान के पर। चार ओवर बॉलिंग पूरा करेगा, मेन जो है बॉलर बल्लेबाजी थोड़ा नीचे आएगा। आखिरी के 8 मैचेस में आपको करीब करीब इसने रन बहुत कम बना के दिया हुआ है, जहाँ पे 86 रन बना के दिया हुआ है, लेकिन बॉलिंग से 8 मैचेस के अंदर 11 विकेट मिला हुआ है। ये रीजन है कि लेकर के चल रहा हूँ। उसका यहाँ से रुतीसर अहमद को लूंगा जो कि एमटीआई की टीम को मैक्सिमम मैचेस के अंदर कैप्टनसी करता है, बल्लेबाजी में मैक्सिमम मैचेस के अंदर 4 पे आएगा, प्लस आपको 2 से 3 ओवर बॉलिंग भी करके देगा। बॉलिंग से भले ही बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है लेकिन आखिरी सीजन में जो इसका रिकॉर्ड है वो काफी ज्यादा शानदार है। यही रीजन है कि लेकर के चल रहा हूँ। आखिरी के 9 मैचेस में इसने 177 रन भी बना के दिया हुआ, प्लस बॉलिंग से भी 5 विकेट मिले हुए हैं। उसके बाद आप लोग दो अच्छे प्लेयर रहेंगे, एक यहाँ से रहेगा ए गोगई जो कि आपको यहाँ से बॉलिंग ऑप्शन एक गोगई, और एक प्लेयर आपको देखने मिलेगा ए सिन्हा जिसका नाम आपको ऑलराउंडर्स में देखने को मिलेगा। अगर 11 चैलेंजेस पे नाम आया तो मैं जरूर लूंगा। अभी मैं यहाँ से पी बोरा को लेकर के चल रहा हूँ जो कि आपको 4 ओवर बॉलिंग पूरा करके देगा। इसके बाद आपके लिए एक और अच्छा प्लेयर बन सकते हैं जिसका नाम है ए सिन्हा, और उसके बाद यहाँ से रोहित यहाँ से राउनियर। रोहित राउनियर ने जो डोमेस्टिक लेवल के वह मैचेस करा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विकेट देखी बॉलिंग करा करके आया हुआ, 4 ओवर का बॉलिंग पूरा करेगा खेलेगा तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी प्लेयर रहेगा। ग्रैंड लीग में आपको रोटेशन में यूज जरूर करके चलना है। बात कर ले तो अपने केबीसी के बारे में जो कि एक स्मॉल लीग टीम के लिए बहुत जरूरी, इससे पहले मैं आपको एक कहूंगा आखिरी के 6-7 महीनों से आपका पूरा पैसा जो है से वैसे 11 चैलेंजेस आपको लगा रहा हूं। इसका सबसे बड़ा रीजन है फैंटेसी के जितने भी एप्लीकेशन आपको सबसे ज्यादा लो एंट्री फीस जो 11 चैलेंजेस पे ही देखने मिलेगा। यहां पर मेरे कहने वैसे एक बार अपने 1000 रुपए लगाओ बिना आ रही आपके 100 रुपए चालोगे सिर्फ और सिर्फ एंट्री फीस के रूप में, उसके भी पर आपको 10,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो बिना आ रही आपके 1,000 रुपए चालोगे सिर्फ और सिर्फ एंट्री फीस के रूप में, उसके भी पर आपको 4 से 15% के बीच बोनस के भी पैसों को यूज करने को मिलेगा। यानी कि 11 चैलेंजेस से आपका लिंक
आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन देखो मिल जाए, जो अभी का भी यहाँ से डाउनलोड करके आप मेरे साथ खेलना शुरू कर सकते हो। इस मैच के अंदर मैं भी अपने पूरे पैसे जो 11 चैलेंजेस पे लगाने वाला हूँ, तो अभी ज़्यादा यहाँ पर आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मैं भी देखिए कैप यहाँ से सोच रहा हूँ कि सीएम दास के साथ चला जाओ, वीसी सोच रहा हूँ रवि यहाँ से छेत्री के साथ चला जाओ। बाकी इसके अलावा आपके लिए दो और अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। अगर आप सेफ प्लेयर के साथ जाने की सोच रहे हो तो रुकसा यहाँ से आर अहमद एक अच्छा प्लेयर रहेगा, लेकिन अगर आप रिस्की प्लेयर के बारे में सोच रहे हो तो आपके लिए यहाँ से अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, जैसे कि आपके लिए यहाँ से गोगाई बन जाएगा। अगर ये सिन्हा खेल रहे हो तो वो भी बन सकता है। बाकी मैं आपको एक गोगाई बन जाएगा, उसका दी दास और यहाँ से आर अहमद, ये तीन प्लेयर्स अच्छे प्लेयर्स बन सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों एक प्लेयर का पूरा एनालिसिस बता दिया। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम सर्वर ज्वाइन जरूर जाना क्योंकि वहीं पर मैं अपनी फाइव टीम से करूँगा। टेलीग्राम सर का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।